बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इस्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे अंडा भुर्जी। अक्सर औरतों को सुबह उठते ही बस एक ही टेंशन रहता है कि आज नाश्ते में क्या बनाएं। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा नाश्ता लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान और जल्दी से बनकर तैयार होता है। बाजार में जिस तरह अंडे के स्टॉल पर अंडा भुर्जी मिलती है, बस उसी तरह की टेस्टी भुर्जी घर पर किस तरह से बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। आज मैं अंडा भुर्जी तवे पर बनाऊंगी, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो पहले मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल, 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं 2 अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। कम अंडे लेकर भी देखिएगा आप कि कितनी क्वांटिटी में हमारी भुर्जी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही खाने में मज़े की लगती है ये। तो थोड़ी सी प्याज को हम सॉफ्ट होने देंगे, ये देखिए प्याज हल्की सॉफ्ट हो गई है। इसमें अब 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके बारीक काट लिया, ये डाल देते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने प्याज और अदरक लहसुन को थोड़ा सा ही फ्राई किया है, प्याज को जलाया नहीं है। बस इसी तरह से टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को कूट कर ली हूँ, ये बिल्कुल भी तेज वाली मिर्च नहीं है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को डाल सकते हो। आगे मैं लाल मिर्च भी डालने वाली हूँ, तो मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दें। 1 चम्मच मेरे पास बारीक कटा हुआ हरा लहसुन है, तो ये डाल रही हूँ मैं। आपके पास हो तो डालें, वरना इसके बिना भी आप बना सकते हो। मेरे पास हरा लहसुन था तो मैं वो डाल देती हूँ। हमारे यहाँ बड़ौदा शहर में अंडा पुलाव की, ऑमलेट की जगह जगह लारियाँ होती है, वहाँ पर इस तरह से अंडा भुर्जी बहुत ही बनाई जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज हम उसी तरह की घर पर बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाती है। टमाटरों को हम हल्का हल्का इस तरह से दबा देंगे, ये आप देख सकते हो टमाटर और प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए। गैस की फ्लेम हम धीमी कर देते हैं और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच ही मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली हूँ। एक बार मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम धीमी रखी है इस टाइम पर ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। ये देखिए मसाले हमारे हो चुके हैं, अब बीच में मैं जगह कर देती हूँ, हम इसमें अंडे डालने वाले हैं। तो पहले से मैंने इसमें तेल कम डाला था, क्योंकि अंडे डालने के टाइम हमें तेल डालना पड़ता है, क्योंकि ये प्याज टमाटर जो है तेल थोड़ा कम हो जाता है उसमें। तो 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं। अब इसमें हम 2 अंडे को डालेंगे, अब इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे आप। गैस की फ्लेम अब मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से अंडे को पका लेंगे मसालों में। अंडे को इस तरह से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे आप, तो 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मसाले में अंडे को पका लेंगे हम। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कीमा बनाया है मसाले वाला। कम अंडे में भी हमने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बना ली है और ये भुर्जी बहुत ही खाने में मज़े की लगती है। आप इसे ब्रेड के साथ, पाव के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये देखिए अंडा भुर्जी हमारी तैयार है, मसाले में अंडा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते ऊपर से और गर्मा गर्म ये हमारी भुर्जी बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तवे पर पाव को सेक लेंगे। हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में।
उसी तवे पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो अंडा पाव के साथ ऑमलेट वाले पाव होते हैं ना, तो वो पाव को हम इस तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव ले लिए हैं। हम घर पर यूँ ऑमलेट पाव बनाकर खाते ही, लेकिन इस तरह से आप एक बार अंडा भुर्जी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये, पाव के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। ये पाव भी हमारे सिक चुके हैं, इसे निकाल लेती हूँ मैं, उसी प्लेट में निकाल लेते हम। तो इसे मैंने एक प्लेट में पाव के साथ सर्व कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दे रही हूँ मैं।